मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड, ओके क्लास वन. नाउ टेक आउट योर दिस कंबाइंड बुक, है ना, एंड ओपन पेज नंबर 134, चैप्टर 3, माय फैमिली. Chapter 3, My Family, हमारी फैमिली. ठीक, तो हमारी फैमिली, सबकी फैमिली डिफरेंट होती है. किसी की फैमिली बहुत बड़ी होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है, किसी की फैमिली छोटी फैमिली होती है, स्मॉल फैमिली. तो सबकी फैमिली एकदम डिफरेंट होती है ना. तो पहले हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं. पेस्ट योर फैमिली पिक्चर एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट इट. हमें यहाँ पे एक अपनी फैमिली पिक्चर पेस्ट करनी है और एक शब्द में अपने फैमिली के बारे में बताना है, वन सेंटेंस लिखना है. ठीक, तो यहाँ पे फैमिली पिक्चर, जिसकी फैमिली में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो भी है, अगर वो लोग रहते हैं तो सब लोग मिल के एक फोटो, अच्छी सी फैमिली फोटो खिंचवा लीजिए और इसको चिपकाइए. और जो बच्चे अपने सिर्फ पापा मम्मी के साथ रहते हैं यहाँ पे, वो लोग अपने पापा मम्मी के साथ एक फोटो खिंचवा के यहाँ पे चिपका लीजिए. ठीक, और वन वर्ड, वन सेंटेंस में हमें बताना है कि हमारी फैमिली कैसी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आप लोगों को, माई फैमिली इज वेरी स्वीट, My family is very humble, My family is very kind. इसी टाइप से आपको एक सेंटेंस लिखना है, वन सेंटेंस में अपनी फैमिली के बारे में बताना है. ठीक है, नाउ स्टार्ट रीडिंग. अब हमको यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलेगा सबकी फैमिली कैसे डिफरेंट है. ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. एकदम प्रॉपरली ध्यान से रीड करिएगा, उंगली रख के पढ़िएगा ताकि आप लोग को समझ में आए. Mother, father and children live together and make a family. मम्मी पापा and children और बच्चे live together, सब लोग साथ में रहते हैं, and make a family, और सब लोग साथ में रहते हैं तो क्या बनाते हैं, family बनाते हैं. This is Nita. ये कौन है, Nita. Let us meet her family. चलिए अब हम लोग नीता की फैमिली से मिलते हैं. ये देखिए नीता ने अपनी फैमिली पिक्चर यहाँ पे चिपकाई है. ठीक है, दिस इज मिस्टर स्वामी. ये कौन है, मिस्टर स्वामी. ही इज नीतास फादर. और ये कौन है, नीता के फादर. दिस इज मिसेस वानी. ये कौन है, मिसेस वानी है. शी इज नीतास मदर. और ये कौन है, नीता की मम्मी है. This is Rohit. ये कौन है, भाई है, रोहित. He is Nita's brother. ये नीता का भाई है, उसके भाई का क्या नाम है, रोहित. तो नीता की फैमिली में कौन कौन है, पापा, मम्मी और भाई. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 135 टर्न करें, है ना. यहाँ पे लिखा है काइंड्स ऑफ फैमिलीज. फैमिली की कितने सारे काइंड्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के फैमिलीज होते हैं. देखो, हेलो, आई एम नैन्सी. मैं नैन्सी हूँ. आई लिव विथ माई मदर, फादर एंड ब्रदर. मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहती हूँ. माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स. मेरे मम्मी पापा मेरे क्या हैं, पेरेंट्स हैं. माई ब्रदर अमित एंड आई आर देयर चिल्ड्रेन. मैं और मेरा भाई अमित, हम लोग उनके बच्चे हैं. आई एम देयर डॉटर. मैं उनकी बेटी हूँ. एंड माई ब्रदर इज देयर सन. और मेरा भाई उनका बेटा है. वी ऑल
फैमिली में कौन कौन है? मम्मी, पापा और भाई। तो ये चार लोग मिलके क्या हो गए? कितने स्मॉल फैमिली, कितने फैमिली मेंबर्स है? फोर फैमिली मेंबर्स है। तो क्या कौन सी फैमिली हो गई है? स्मॉल फैमिली। ठीक। ए फैमिली दैट हैज मेनी मेंबर्स इज कॉल्ड ए बिग फैमिली। जो जिस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बिग फैमिली। ठीक। कैसे? बिग फैमिली में कौन कौन आता है? ये देखिए, अभी आप लोगों ने स्मॉल फैमिली बोला, बिग फैमिली में कौन कौन आता है बताइए। बिग फैमिली में ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंटी, मदर, फादर, चिल्ड्रेन, बच्चे, मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सब अगर एक फैमिली में रहेंगे तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? बिग फैमिली। चलिए रीड करें। रीना लिव्स विथ हर पेरेंट्स। रीना अपने पेरेंट्स के साथ रहती है एंड हर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। और उसके साथ में कौन रहते हैं? ग्रैंडफादर रहते हैं, दादाजी रहते हैं, ग्रैंडमदर दादी रहती है, हर आंट उसकी चाची रहती है, अंकल चाचा एंड देयर चिल्ड्रेन और उनके भी बच्चे। तो ऑल्सो लिव विथ देम, तो ये सब साथ में रहते हैं। हर अंकल्स चिल्ड्रेन आर हर कजन्स। अंकल के जो बच्चे हैं वो रीना के क्या लगते हैं? कजन्स लगते हैं। देयर आर मेनी मेंबर्स इन हर फैमिली। तो उसके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो गए, है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शेयर द सेम सरनेम। और सभी लोग उस फैमिली में एक ही सरनेम लगाते हैं। जैसे अगर ये सब लोग, अगर ग्रैंडफादर के नाम के आगे लगता है शर्मा, अगर ये शर्मा परिवार है तो सभी लोग अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? शर्मा। जैसे ये कौन है, क्यों, किसकी फैमिली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? रीना। अगर रीना की फैमिली शर्मा फैमिली है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? रीना शर्मा, है ना। तो सब लोग एक ही सरनेम लगाते हैं। द सरनेम इज द लास्ट नेम। सरनेम हम किसको बोलते हैं? लास्ट नेम को। जैसे कोई अपने नाम के पीछे सिंह लगाता है, कोई अपने नाम के पीछे यादव लगाता है, कोई अपने नाम के पीछे शर्मा लगाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? सरनेम। इसे हम टाइटल भी बोलते हैं, सरनेम भी बोलते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए दिया भी हुआ है, वर्मा, जैन, मैथ्यूज एंड अली, है ना। तो सब लोग अपने नाम के पीछे जो सरनेम लगाते हैं उसे हम लोग टाइटल भी बोलते हैं और सरनेम भी बोलते हैं। केयर फॉर ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे का केयर भी करते हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है या किसी को कुछ हुआ है तो हम लोग सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। किसको क्या चीज़ पसंद है, किसको क्या चीज़ नहीं पसंद है, हम लोग सबके छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं, है ना। तो केयर करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, परवाह करना। मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लुक आफ्टर ईच अदर। हम लोग फैमिली मेंबर्स जो होते हैं सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, ध्यान रखते हैं। टेक केयर फॉर ईच अदर।
नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेरेंट्स अर्न मनी फॉर देयर फैमिली। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, ताकि हमारी फैमिली अच्छे से खुशी खुशी चले। पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा, है ना। कई घरों में मम्मी लोग जॉब नहीं करते हैं, खाली पापा जॉब करते हैं, तो पापा हम लोग के लिए पैसे कमाते हैं ना, ताकि हम लोग अच्छे से खा सके, अच्छे से पहन सके, अच्छे से रह सके, हमारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो, है ना। तो पापा लोग पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाते हैं। कई घरों में मम्मी लोग भी स्कूल जाती हैं पढ़ाने, या फिर मम्मी लोग किसी ऑफिस में जाते हैं काम करने, तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, ठीक। पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन इन स्टडीज। पेरेंट्स हमारी मदद भी करते हैं हमारी पढ़ाई लिखाई में, हमें होमवर्क करवाना, हमारे स्कूल के असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, ठीक। पेरेंट्स हैव फन विद देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फन भी करते हैं, जैसे फुटबॉल पेरेंट्स खेलते हैं। कई बार घरों में, सारे घरों में आप लोग के मम्मी पापा आप लोग के साथ खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, बैडमिंटन खेलते होंगे, आप लोग के साथ कार्टून देखते होंगे, या फिर आप लोग के साथ डांस करते होंगे, तो पेरेंट मम्मी पापा भी आप लोग के साथ इंजॉय करते हैं। पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन। अगर आप लोग की तबीयत भी खराब होती है तो कौन ख्याल रखता है, पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, मम्मी पापा ध्यान रखते हैं। चिल्ड्रेन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स। हम बच्चों को क्या करना चाहिए, हमेशा अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, और सिर्फ मम्मी पापा की नहीं, हमारे फैमिली में जितने लोग हैं, चाहे वो चाचा चाची हो, दादा दादी हो, भाई हो, कोई भी हो, हमें हमेशा उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, है ना। जैसे देखो ये वाला बच्चा अपने पापा के साथ कार वॉश करवा रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है। चिल्ड्रन शुड डू देयर ओन वर्क। बच्चों को अपना काम खुद ही करना चाहिए। देखिए ये वाला बच्चा अपने शूज़ खुद ही पॉलिश कर रहा है। आप लोग स्कूल आने के लिए अपने शूज़ खुद पॉलिश करते हो, हाँ बताना मेरे को, करते हो कि नहीं। खुद ही शूज़ पॉलिश करते हैं बच्चे, और अपना यूनिफॉर्म ठीक से लगाते हैं एक दिन पहले रात को, और अपना बैग प्रॉपर करते हैं ताकि नेक्स्ट डे स्कूल जाना हो तो कोई हड़बड़ी ना हो। तो बच्चों को, हम बच्चों को ये सारे काम खुद ही कर लेने चाहिए, ठीक है ना। तो उससे हमारे पेरेंट्स को थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब हम लोग आते हैं नीचे एक्सरसाइज पे। यहाँ पे पहला आता है हमारा ओरल क्वेश्चंस। हाउ डू यू एंजॉय योरसेल्फ विद योर फैमिली। अब आप बताएंगे हाउ डू यू एंजॉय योरसेल्फ विद योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करते हो। जैसे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम कैसे, मैं कैसे एंजॉय करती हूँ। इसमें लिखा है हाउ डू यू एंजॉय योर फैमिली योर सेल्फ विथ योर फैमिली। तो मैं लिखती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, फिर आप लोग मेरा देख के अपने से अपने वर्ड में लिखिएगा। आई एंजॉय, आई एंजॉय विथ माय फैमिली वाइल प्लेइंग एंड कुकिंग। मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय करती हूँ। आई एंजॉय विथ माई फैमिली वाइल प्लेइंग एंड कुकिंग। खेलने में, खेलते वक्त और कुकिंग करते वक्त, कुछ टेस्टी टेस्टी मम्मी पापा के साथ मिलके बनाना, या फिर कुछ भी खेलना, तो इस टाइप से मैं अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, ठीक है ना। आप लोग कैसे करते हैं वो आप लोग